गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वित्तकमणि आव्यूह क्या होता है और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.24 को हम करेंगे। तो छात्र देखें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वित्तकमणि आव्यूह किसे कहते हैं। यदि हमने एक आव्यूह ए दिया हुआ है और एक अन्य आव्यूह बी, इस प्रकार है कि एक आव्यूह में ए में बी का मल्टीप्लिकेशन करने पर आई प्राप्त होता है, तो बी क्या कहलाएगा? बी इज अ इनवर्स ऑफ ए, या हम ये कह सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो यह बी जो है इनवर्स ऑफ ए कहलाएगा। तो हम देखते हैं कि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, दोनों का मटेरियल कितना होता है? आई होता है। ये आप कंडीशन को ध्यान रखिए। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया है ए और उसमें दूसरे मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई किया है, यदि वो आई आता है तो बी उसका इनवर्स होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ए इनवर्स इंटू ए क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हैं बच्चे, आई मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे हमने 2x2 का मैट्रिक्स लिया तो 1 0 0 1, और यदि 3 का मैट्रिक्स लिया तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 का मैट्रिक्स हो गया। हम यहाँ एक नोट कर लीजिए कि यह जो इनवर्स मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लागू है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स के लिए, यानी जिसकी रो और कॉलम बराबर हो उसके लिए ही हम इनवर्स मैट्रिक्स को ज्ञात कर सकते हैं। तो यह ध्यान रखेंगे कि जो भी अगर इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है तो हमको मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों एक हों। अब हमको यहाँ पर एक दो स्क्वायर मैट्रिक्स दिए हुए हैं वित्तकमणि आव्यूह, और हमको यह शो करना है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो आपको एक कंडीशन अभी जो बताया था कि एक मैट्रिक्स दिया है और उसका इनवर्स कितना होता है? आई, ये हम आपको अभी बता चुके हैं, ये नियम है। अब यदि हम इसके एक स्थान पर ए बी मल्टीप्लिकेशन रख दें और यहां पर क्या रख दें? ए बी का इनवर्स, तो कितना होगा? आई होगा। ठीक है, हमने क्या किया, एक के स्थान पर ए बी रिप्लेस कर दिया। अब हमने ये वाली कंडीशन लिखी है, वही कंडीशन लिखी है। अब यहां क्या करते हैं कि यहां पर दोनों तरफ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी इनवर्स का मल्टीप्लाई किया और इसमें भी किया। ठीक है, तो ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर हो जाएगा? आइडेंटिटी के। फिर यह बचिएगा और ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं कि आपका आई इंटू इंटू ए इनवर्स हो जाएगा बी इंटू ए बी इनवर्स। फिर हम इसमें दोनों तरफ बी इनवर्स का मल्टीप्लाई किया तो बी इनवर्स इंटू बी कितना होगा? आई, और यहाँ क्या बचेगा? ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए। तो आपका सिद्ध हो जाता है कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये आपको बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं, हमको यहाँ पर ये प्रश्नावली 3.4 है, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका कोटि है 2x2, इसका हमको इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है? 1 -1 2 3। आपको एक प्रॉपर्टी पता है, ए मैट्रिक्स इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए, यह होता है। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर, ये हम जानते हैं।
ए मैट्रिक्स की वैल्यू रख दीजिए, 1 -1, 2 3, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 0 0 1, और यहाँ पर ए को हम रिपीट न करके सिर्फ ए ही लिख देते हैं। अब हमारी प्रक्रिया क्या रहेगी कि हम क्या करेंगे, ए को आई में कन्वर्ट करेंगे, ए को क्या करेंगे हम आई में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यह जैसे क्या है कि हमको ये दिया है ए इक्वल टू आई ए, इसको हम रिप्लेस करके आई में कन्वर्ट करेंगे, और ए तो यहाँ फिक्स है, और यहाँ जो जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए इनवर्स मिलेगा। तो हमारा टारगेट यह रहेगा कि इस पहले मैट्रिक्स को क्या करना उद्देश्य रहेगा, इस मैट्रिक्स को आई बनाना है, और इस प्रोसेस में जो भी हम ऑपरेट संक्रियाँ यूज करते हैं वही संक्रियाँ इसमें भी लगाएंगे, और इसको लगाने पर हम देखते हैं कि इसके मानों में परिवर्तन आता जाएगा, और जब ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमको यहाँ पर जो भी नया मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, ए का इनवर्स होगा। तो अभी हमने बताया कि इसको आई में कन्वर्ट करना है, आई की कंडीशन क्या होती है, आई मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1 होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1 इसको क्या बनाना है, आपको 0 बनाना है, तो क्या करना है 0, तो आप क्या करेंगे सेकंड रो को रिप्लेस करेंगे, सेकंड रो को रिप्लेस करेंगे यदि 2 का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में, ये इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, सेकेंड रो में से 2 का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो को सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, ये इसमें फर्स्ट रो में 2 का मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, और सेकेंड रो में से सबट्रैक्ट, तो फर्स्ट रो को सेम लिख दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया -2, और इसको जब हम फर्स्ट इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो 3 -2, 3 माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 + 2 = 5। यही प्रक्रिया इसके लिए करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया और सेकंड रो में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना हो जाएगा -2 1। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो में ये 5 है, इसको हम क्या करेंगे 1 बनाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सेकेंड रो को चेंज करेंगे 1/5 × सेकेंड रो, 5 से डिवाइड कर देंगे, 1 - 1, 5 से डिवाइड किया 0 में 0, और ये 1 आ गया। यही प्रक्रिया हम इसमें अपनाएंगे, 1 0 -2, और इसको क्या किया 5 से डिवाइड किया है, 1/5। अब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको सिर्फ इसको 0 बनाना है, क्या करना है इसको 0 बनाना, तो 0 बनाने के लिए सेकंड रो को फर्स्ट रो में ऐड कर देंगे, सबसे हम किसको चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट रो को, फर्स्ट रो में सेकंड रो को ऐड कर दिया, तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, ये 1 + 0 1, इसको ऐड किया क्या हो जाएगा 0, ये और ये कितना है 0, और ये 1। यही प्रक्रिया इसमें करेंगे, इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 - 2 3/5, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 + 1/5, यह हो जाएगा 1/5, और सेकंड रे को कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा -2/5, और ये 1/5 × a। तो आपका ये कन्वर्ट क्या हो गया, ये आपका बन गया आइडेंटिटी, और ए मैट्रिक्स यहाँ फिक्स है, और यह जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, ए इनवर्स, तो इसीलिए
ए इनवर्स इक्वल ये आपका 3/5 माइनस 2/5, 1/5 और 1/5, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब आपको इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन दोनों को आपको हल करके देखना है, और इसको हल करने के बाद आप इसको हमको बाकायदा ग्रुप में चेक कराएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिक्सटीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इसके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि ए इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए लेके चलेंगे। ए कितना है आपका? माइनस वन, थ्री, माइनस टू, माइनस थ्री, जीरो, माइनस फाइव, टू, फाइव, जीरो। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? वन, जीरो, जीरो, जीरो वन, जीरो, जीरो जीरो वन इंटू ए। अब आपको क्या करना है कि इन तीन चीजों को आइडेंटिटी बनाने के लिए इन तीनों को जीरो बनाना पड़ेगा। इन तीनों को जीरो बनाएंगे, और उसके अलावा डायगोनल में हमको वन वन चाहिए। ठीक है, इसको हम आई में कन्वर्ट कर देंगे। इसको क्या करेंगे? हम आई में कन्वर्ट करेंगे, और इस आई को कन्वर्ट करने के समय यहां हमको जो भी मान मिलेगा, यहां जो भी वैल्यू मिलेगी वह जो है इनवर्स मैट्रिक्स होगी। यदि मान लो हमको यहां पर ए वन, ए टू, ए थ्री, बी वन, बी टू, बी थ्री, सी वन, सी टू, सी थ्री मिलता है, तो इनवर्स क्या हो जाएगा आपका? ए इनवर्स इक्वल ए वन, ए टू, ए थ्री, बी वन, बी टू, बी थ्री, सी वन, सी टू, सी थ्री, या इनवर्स हो जाएगा। तो इसके लिए आपको आई कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने जो पहला क्वेश्चन बताया उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए आपको इसको आई में कन्वर्ट करना है, और जो जो ऑपरेशन इसमें यूज कर रहे हैं वही ऑपरेशन आपको इसमें यूज करना है, और ये अपने आप चेंज होता जाएगा। और हमको जब आई बनने के बाद यहाँ जो भी मान मिलता है वो उसका ए का इनवर्स होगा, यही उसका आंसर हो जाएगा। जी आप करके देखिए, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। नोट कर लीजिए और करके कोशिश करिए। थैंक यू।